जिसने कहा संकरे द्वार से प्रवेश करना, उसी प्रभु यीशु के नाम आज के आशीर्वाद के कार्यक्रम में सबका स्वागत है। स्तुति, वचन, गवाही और आराधना द्वारा आप सबको ढेर सारे आशीष मिले। छवा कर जीवन दे दे दया की याचना।
सबसे पहले शादी का जीवन, वैवाहिक जीवन, वैवाहिक बारे में कैनन लॉ, कैनन लॉ मतलब शादी का लॉ है, उसके बारे में एक सुंदर से डेफिनेशन दिया है आपको, जिसको लिखना है फास्ट में बोलूँगा, लेकिन उसमें सारी बात है वैवाहिक जीवन के बारे में एक शॉर्ट में डेफिनेशन, इतना प्यारा सा डेफिनेशन परिभाषा कैथोलिक कलीसिया दिया है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। इंस्ट मैरिड लाइफ इंस्टीट्यूटेड बाई द क्रिएटर, रेगुलेटेड बाई हिस लॉस, बाई विच ए मैन एंड वुमन एस्टाब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन themselves, a partnership of their whole life by an irrevocable consent, well-being of the spouses and for the generation and education of children. बहुत लंबा है, एकदम दो तीन दिन में समझाने वाली बात है, लेकिन एक और बात थोड़ी सी आपको पॉइंट में लिखना था, जल्दी लिखो। इट इज इंस्टीट्यूटेड बाई क्रिएटर, एक सृष्टिकर्ता का काम है, जैसे ईश्वर ने आदम और हेवा को बुलाया और कहा तुम के लिए तुम सारे मानव जाति का माता पिता बनोगे, तुम पूरे, इसलिए आदम को बोला मैं तुम्हारे लिए एक उचित जीवन साथी दे दूंगा। वैवाहिक जीवन ईश्वर का क्रिएशन है, ईश्वर की योजना है, कोई भी मनुष्य जाति का मनुष्य की सोच नहीं है। दूसरा पॉइंट, ये इसके द्वारा कौन एक साथ आता है, एक लड़का एक लड़की का एक पार्टनरशिप है, एक रिश्ता है, और रिश्ता की विशेषता क्या है, इट इज फॉर ऑल लाइफ, परमानेंट है, इसमें ट्रांसफर नहीं होता है। फादर सिस्टर लोगों के लिए ट्रांसफर है, लेकिन शादी विवाह करने वाले के लिए ट्रांसफर नहीं है, परमानेंट है, ऑल लाइफ कमिटेड, इसलिए हिंदी में बोलता है ये क्या है, जीवन साथी है, जीवन जीवन तक, जब तक जीवन है सांस है तब तक साथी, छोड़कर चली गई तो कोई बात नहीं, दूसरा को शादी कर सकता है, इसलिए परमानेंट है, ऑल बीइंग ऑल लाइफ बाई एन इरेवोकेबल पर्सनल कंसेंट। एक बार हाँ मैं इस लड़की को शादी करने के लिए तैयार हूँ, गिरिजा के सामने, बाइबल के सामने, पुरोहित के सामने हाँ बोल दिया, मतलब बाद में 3 साल के बाद ना बोल नहीं सकता है, परमानंद है। शादी वगैरह के बारे सोच, अच्छा सा सोचो, बाद में और मिलेगा, अच्छा मिलेगा तो नहीं, ये नहीं, परमानंद है, बोली हालेलुया। आजकल मेरे एक दुख है, मैं फादर लोग सिस्टर लोगों को बताता हूँ, रियली शादी की तैयारी में कली से अच्छा सा तैयारी नहीं करता है, रियली नॉट प्रिपेयरिंग। शादी मतलब प्रिय बच्चे लोग, आप शादी का वैवाहिक जीवन के बारे में क्या समझ कर रखा है, एक हीरो और हीरोइन मूवी में आप मॉडल देखा है, मूवी का मॉडल वैवाहिक जीवन का मॉडल नहीं है, वो एंटरटेनमेंट है, आई लव यू लव यू, उसके बाद में गाना शुरू हो जाएगा, डांस करना शुरू हो जाएगा, खत्म, मूवी खत्म, ये नहीं है रियली, आई टेल यू वेरी सीरियसली, वाई मैरिड लाइफ ये नहीं है, सिंपली वो शो है, उसमें एक कमिटमेंट नहीं है। अरे आजकल मैं कहानी बताऊंगा, आप लोग हीरो हीरो ही मानने वाला अभिषेक बच्चन और उसका बाकी कहानी सब पता है ना, मालूम है नहीं मालूम है, कभी कभी न्यूज पढ़ो, पूरा बड़ा हीरो हीरोइन आप समझने वाले, कितने लोग अपने पारिवारिक जीवन में ईमानदार है, इसलिए ये मूवी नहीं है आपका रोल मॉडल, इसलिए पारिवारिक जीवन के बारे में समझना है तो कलीसिया बताता है, जो अच्छा एक पारिवारिक जीवन बिताने वाले को जाकर पूछना, आपका रिश्तेदार होगा, शायद आपका पापा मम्मी हो सकता है, आपने अपने जीवन एक दूसरे के लिए किस प्रकार समर्पित किया है, एक बहुत बड़ा एक समर्पण है। लोग बोलता है अरे फादर ने बहुत बड़ा समर्पण जीवन बिताया, सिस्टर ने एक बहुत बड़ा समर्पण जीवन बिताया, मैं बोलूंगा उससे भी बड़ा समर्पण है पारिवारिक जीवन, उससे भी बड़ा हम लोगों का कम से कम ट्रांसफर मिलता है, 3-4 साल का ट्रांसफर मिले, आप लोगों को ट्रांसफर भी नहीं है, जयवन तक एक पति का पायर सब टूट गया, लंगड़ा हो गया, पैरालाइज हो गया, उसको खाना खिलाना पड़ेगा, वो टॉयलेट ले जाना पड़ेगा, सब कुछ करना ही है, अभी मूवी जैसे देखकर यही है आपका असली है, सोचकर नहीं बैठना, बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया,
इसलिए ये पर्सनल कंसर्न है। एक बार सोच समझ कर बोल दिया, हाँ मैं इसको जीवन भर के लिए अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, बोलने के बाद 4 महीने के बाद तलाक नहीं है। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैरिज? ओनली 2 पर्पस, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर द वेल बीइंग ऑफ द स्पाउसेस, एक दूसरे के लिए की भलाई। इसलिए पारिवारिक जीवन बिताने वाले, एक पतली सी एक लड़की शादी होने के बाद में थोड़ी सी मोटी हो जाती है, हाँ, क्योंकि इसको पति से थोड़ा प्यार मिला, केयर मिला, उसको बाइक में पीछे रखकर ले जाना घुमाना शुरू कर दिया, उसको अच्छा लगना शुरू किया। इसलिए पतला सा एकदम उदास रहने वाला पति लड़का एक लड़की के साथ जीवन साथी मिलने के बाद में बहुत केयर मिल गया, उसका चेहरा सड़क खिलना शुरू हो गया। ये पारिवारिक जीवन है फॉर द वेल बीइंग ऑफ द स्पाउसेस। सेकंड पर्पस है फॉर द क्रिएशन एंड एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों को जन्म देने के लिए बुलावा, बच्चों को जन्म देने के बाद में हॉस्टल में छोड़ने के लिए नहीं है, 2-3 साल के बाद। कुछ घरों में गांव में हम देखता है बचपन से लेकर 4 क्लास से लेकर बच्चे हॉस्टल में ही रहेगा, वो नहीं है। एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन मतलब उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना नहीं है, विश्वास की एजुकेशन, विश्वास का प्रशिक्षण, ये बहुत जरूरी है हमारे पारिवारिक जीवन में। इसलिए मैं शॉर्ट में बता रखा था पारिवारिक जीवन क्या है, क्या है, इट इज इंस्टीट्यूटेड बाई गॉड, ईश्वर की स्थापना है, वो मनुष्य की सोच नहीं है, वो मनुष्य की कल्पना नहीं है। दूसरा क्या है, इट इज बिटवीन ए मैन एंड वुमन, और कोई नहीं, लड़का लड़के वाली बात नहीं, लड़की लड़की बात नहीं। अमेरिका में चालू हो गया होगा, लेकिन इंडिया को जो भी है, भारत देश सुंदर संस्कृति है, अभी तक चालू नहीं हुआ है, नहीं, प्रभु की योजना में बिल्कुल नहीं है। तीसरा क्या है, ये इट इज फॉर ऑल वीइंग ऑल लाइफ, जीवन भर के लिए है। 14 पॉइंट है, एक बार हाँ बोल दिया, नहीं बोल नहीं सकता है। और लक्ष्य है पति पत्नी की भलाई, पत्नी के द्वारा पति भलाई। इंग्लिश में कहता है मैरिड लाइफ इज कॉम्प्लीमेंटिंग टू इच अदर, कॉम्प्लीमेंट करता है, पत्नी की कमी पति पूरा करता है, पति की कमी पत्नी पूरा करती है, कॉम्प्लीमेंटिंग टू इच अदर, एक दूसरे की कमी को पूरा करता है। और आखिरी बात है फॉर द क्रिएशन एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को जन्म देने के लिए, जन्म लेकर छोड़ने के लिए नहीं, उनको एजुकेशन, एजुकेशन मतलब स्कूल की शिक्षा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो तो होगा ही, करता है लोग, लेकिन विश्वास की एजुकेशन, विश्वास का प्रशिक्षण देना। अभी दूसरा, इतना समझा है शॉर्ट में, दूसरा बुला है पुरोहिताई बुलाहट, पुरोहिताई बुलाहट, पुरोहिताई बुलाहट, हु इज ए प्रीस्ट, हु इज ए प्रीस्ट, प्रीस्ट इज ए लीडर ऑफ ए पैरिश कम्युनिटी, एक पैरिश का, एक पल्ली का एक लीडर है। वो क्या करता है, ही इज ए लीडर इन प्रेयर, प्रार्थना द्वारा ईश्वर को, मनुष्य को ईश्वर के करीब लाने के एक बुलावट उसको दिया। बाय प्रेयर ही विल लीड मैन टू गॉड, ईश्वर के करीब लाने के एक बुलाहट एक पुरोहित को मिला है। इसलिए संत बेनेडिक्ट पापा, बेनेडिक्ट 16वीं ने अपने एक किताब में लिखा है हु इज ए प्रीस्ट, 3 क्वालिटी, ही इज ए लीडर ऑफ द चर्च, सेकंडली ही इज ए टीचर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, ईश्वर के वचन के प्रचारक है। इसलिए आप लोगों को प्रभु का वचन सुनाने का एक बुलावा मिल रहा है, एक टीचर, ईश्वर की शिक्षा, वचन का टीचिंग करने के लिए एक बुलावा दिया, समझ लेना। तीसरा है ही इज सैंक्टिफाइंग, वो सैंक्टिफाई करता है, अपने लोगों को शुद्ध करता है, कैसे, संस्कारों के द्वारा एक मनुष्य को, एक क्रिश्चियन को, एक कैथोलिक को शुद्ध करता है। उदाहरण के लिए थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पाप स्वीकार संस्कार किया, वो संस्कार द्वारा प्रभु ने पुरोहित के बुलाव द्वारा आपको शुद्ध किया है। एक एक संस्कार हमको शुद्ध करता है, बपतिस्मा द्वारा हमारे जन्म पाप से हमें शुद्ध किया, एक एक संस्कार द्वारा पवित्र आत्मा की कृपा से, कृपा को स्वर्ग से लेकर हम लोगों के जीवन में, हमारी आत्मा में इन्वेस्ट करने का
काम एक पुरोहित देता है। बोलिए हालेलुया। इसलिए पुरोहित जीवन समझा है शॉर्ट में क्या है, एक बहुत बड़ा एक बुलावा क्या है, लीडर ऑफ एन एक्लेसियल कम्युनिटी, एक कम्युनिटी को संभालता है। इसलिए लोग सचमुच में कैथोलिक कलीसिया के बारे में जलता है, आज पूरा दुनिया कलीसिया को देखकर जलता है। इतने एक सिस्टमैटिक एक चर्च है कैथोलिक कलीसिया, एक सिस्टम है, वहां पर एक ऑर्डर है, ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा एक ऑर्डर लाता है, और कई धर्म में इतना सुंदर एक ऑर्डर नहीं है, एक यूनिटी नहीं है। इसलिए एक लीडर है सब लोगों को, इसलिए एक अच्छा पुरोहित का अर्थ करता है, अच्छा पुरोहित है एक लीडर है। एक पल्ली का एक कोई पारिश में नहीं आता है तो वो जाकर पता करेगा, क्यों आप गिरजा नहीं आया, क्यों आप गिरजा नहीं आए, आप क्यों प्रार्थना में नहीं आता है, आपका बच्चा क्या होगा। वो लीडर है, सभी लोगों को एकता में लाता है, एकता के बंधन में लाने वाले एक लीडर है, और एक सैंक्टिफाइंग करता है संस्कारों के द्वारा, कलीसिया को पूरा शुद्ध करता है। और तीसरा क्या है, टीचिंग देता है। यीशु ने अपने शिष्यों को कहा, तुम संसार के कोने कोने में जाकर ये शिक्षा देना, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दिया उसका पालन करने के लिए उनको सिखलाना। यू टीच देम टू ऑबे एवरीथिंग दैट आई हैव कमांडेड यू, टीच देम। इसलिए एक अच्छा पुरोहित एक टीचर है। इसलिए मैंने बोले पुराने समय में मैं जब पुरोहित बन गया उसी समय शुरू में मैं प्रीचिंग करता था, प्रीचिंग बंद कर दिया मैंने, प्रीचिंग बोलकर खत्म हो जाएगा, आपका थाली बजाएगा। लेकिन शिक्षा सीखना बहुत जरूरी है। बोली हालेलुया। अभी तीसरा है रिलीजियस लाइफ मतलब व्रतवत जीवन द्वारा एक लड़का और लड़की अपने जीवन को कलीसिया की सेवा में ईश्वरीय राज्य के लिए समर्पित है। सिस्टर लोगों का जीवन, कुछ लोग फादर बन, कुछ लोग उसमें फादर लो भी होता है, कुछ लोग ब्रदर बनकर रहता है। सुना है क्या ब्रदर बनकर रहता है? उसमें कुछ लोग, उदाहरण के लिए हम लोग विंसेंशन कॉन्ग्रीगेशन है, हम लोग रिलीजियस भी है पुरोहित भी है। रिलीजियस लोगों की एक विशेषता है, वो लोग तीन मन्नत अपने जीवन में लेता है, तीन मन्नत। एक मन्नत है ओबीडियंस की, एक मन्नत आज्ञाकारिता की एक मन्नत लेगा। दूसरी एक मन्नत है गरीबी जीवन, यीशु गरीब था, वो ईश्वर था, वो लेकिन इस दुनिया में आकर ये गरीब जीवन बिताया। उसने बोला अरे मानव पुत्र को इस दुनिया में रहने के लिए सिर रखने के लिए एक जगह भी नहीं है, एक गरीबी का एक मॉडल, इसलिए गरीबी का जीवन बिताएगा। अपने लिए पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं है, सिस्टर लोगों से पूछ लेना उनका कोई अकाउंट नहीं है। अरे एक सिस्टर स्कूल में काम करती होगा, एक महीने में गवर्नमेंट एडर स्कूल है तो उनको कम से कम 40-50 हज़ार रुपया मिलेगा, एक पैसा भी सिस्टर नहीं लेगा, पूरा उनका संस्था में जाएगा, एक पैसा भी उसको नहीं मिलेगा, पूरा कमाती है कमाकर अपने कलीसिया को बढ़ावे के लिए वो समर्पित करेगा। इसलिए लोगों को देखने से अरे ये फादर का स्कूल इतना बड़ा है, सिस्टर का स्कूल इतना बड़ा है, क्यों? आप लोग यदि शादी नहीं करने वाला है, एक टीचर है तो आपका कमाई का पूरा 100% आपका है, लेकिन हमारा 100% कलीसिया को ले समर्पित कर दिया, यही है। इसको बोलते हैं पॉवर्टी न तो गरीबी के एक समर्पण। तीसरा एक समर्पण है, एक व्रत है ब्रह्मचर्य का समर्पण, ब्रह्मचर्य शादी नहीं करके अपने जीवन समर्पित करेंगे। एक बहुत बड़ा बुलावा है, रिलीजियस बुलावा है, कैथोलिक कलीसिया के एकदम सबसे टॉप सुपर बुलावा है रिलीजियस बनकर एक बुलावा। मेरा नाम लियो गोसाल और हम आए हैं मुंबई बाइंदर उत्तन से, और मेरे को फर्स्ट टाइम में करोना हुआ तो मैं 24 दिन घर पे दवा खाया तो भी मेरे को ज़्यादा बढ़ता था लेकिन कम नहीं होता था। मैंने और हमारा डॉक्टर है उसने बोला कि तुम हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में गया तो उसने टेस्ट किया, उसने बोला
कि तुमको करोना हो गया है, तुम किधर भी बड़े हॉस्पिटल में जाओ। तो उसने मैंने हमारे घर पे मैं आया और आया और बोला कि ऐसा ऐसा बोलता है डॉक्टर कि तुम टेम्बी पे नहीं तो क्वारंटाइन में जाओ। तो हमारे घर पे आदमी बोलेंगे तुम क्वारंटाइन में रह जाओ और इधर ही देखो कैसा है। तो मैं क्वारंटाइन में गया और पहले दिन मेरे को कुछ नहीं अच्छा किया उसको कि इधर खाली खाली गोली देता है बस इधर और दूसरा कुछ नहीं। तो इधर से मेरे को दूसरे दिन में बहुत जुलाब होने लगा। शाम को खाना खा गया और सोने के टाइम में मेरे को बहुत जुलाब हो रहे जुलाब करके वो मेरे को एकदम ख़त्म हुआ। तो मैं इधर से सुबह 4 बजे 12वें मंजिले से नीचे आ गया। वो लिफ्ट भी नहीं चालू थी कुछ नहीं। वो इधर से मैं नीचे आ गया सीढ़ी से नीचे आ गया और सिस्टर के पास गया और सिस्टर को बोला सिस्टर मेरे को रात में बहुत जुलाब हुआ सब में मेरे को एकदम थकवा हो गया है मैं क्या करूं। तो बोलता है सिस्टर बोलता है इधर कुछ नहीं खाली गोली मिलता है इधर दूसरा कुछ नहीं मिलता है तो तुमको ऐसे कि टेम्बा हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो उसने बोला कि तो बोलो सिस्टर बोल चलेगा टेम्बा हॉस्पिटल तो टेम्बा हॉस्पिटल कुछ भी किधर भी लेके जाओ इधर तेरे को ऐसे कि बाटली बेटली लगाएगा कुछ सब ये करेगा इलाज करेगा। तो मैं टेम्बा हॉस्पिटल में और मैं तुम्हारा ऐसे कि बैग लेके आओ मैं जा ऊपर गया बैग लाया इधर से उसने गाड़ी मंगाई और टेम्बा हॉस्पिटल में लेके गया। टेम्बा हॉस्पिटल में लेके गया तो डॉक्टर ने नीचे मेरे को एडमिट किया और उसने ग्लूकोज बाटली चालू करने का वो इंजेक्शन लगा के का ये किया और मेरे को शिफ्ट करने को लेके गया शिफ्ट किया। और इधर गए लेके गए तो कुछ नहीं मेरे को नहीं बाटली भरता है कि नहीं कुछ नहीं करता है। तो मैंने इधर से टेम्बे पे से मेरे को 2 पैकेट दिया था पानी में डाल के वो करने का और पीने का वो। तो मैंने 1 पैकेट पिया था तो मेरे को थोड़ा तंदुरुस्ती आ गई थी। तो मैं इधर जाके 2 पैकेट पिया था। तो एक रात में वो दूसरे दिन में मैं बाथरूम पे जाने लगा तो जो शराब कैसा पीता आदमी वो ऐसा ऐसा वो डुलता था और मैं जाता था बाथरूम पे तो मेरे पीछे से वो एक वार्ड बॉय आता था तो उसने देखा कि वो शराब पिया आदमी। तो मेरे को मैं किधर जाता वो देखा मैं गया बाथरूम में और फिर आया तो मेरे पीछे पीछे फिर आया वो कि किधर से होता है वो देखता है। तो ये मैं आया बेड के ऊपर पड़ गया वो तो हो गया वार्ड बॉय और सिस्टर को बोला कि सिस्टर वो एक आदमी ने ना दारू पिया है शराब पिया इसे शराब पिया है। तो सिस्टर आई तो सिस्टर बोलने लगी कि तुम्हारे बैग किधर है तुम्हारा बैग बोलू है तुमने शराब पिया है। सिस्टर मेरे को कल से एडमिट किया है तुमने टेम्बा हॉस्पिटल बोलता है उसको टेम्बा हॉस्पिटल भाईंदर में कल से एडमिट किया है खाली ये दिखाने को लगाया है नहीं इधर लाया तो बाटली नहीं ऑक्सीजन नहीं क्या हाँ काय के लिए इधर रखा है मेरे को ऐसा मैंने बोला। तो बोला तो सिस्टर ने ऑक्सीजन के बॉटल भी लाया और ये इंजेक्शन भी लाया तो इसमें कुछ नहीं इंजेक्शन नहीं छोड़ा कुछ नहीं खाली बाटली ख़त्म हो गई उसको सिस्टर को वो भी नहीं पता कुछ नहीं पता ऑक्सीजन ख़त्म हुआ है वो भी नहीं पता। तो मैंने घर पे फ़ोन किया और बोला मैं मांगता है क्या पैसा मांगता है तुमको घर पे आदमी को बोला कि तुमको पैसा मांगता है कि मैं मांगता है। तो आया सब मेरा छोटे भाई का जावई वो बड़ा पढ़ा हुआ है वो आया मेरा बेटा आया मेरा औरत आया मैं आया वो आया तो डॉक्टर के पास गया और वो बोलने लगा कि हमारा ऐसा ऐसा आदमी हो हमको मांगता है
तो डॉक्टर बोलता है तुम्हारा आदमी वो बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है, तो उसको कैसे तुम इधर से लेके जाता है। तो बोलने लगे मैं इधर से निकल के बड़े हॉस्पिटल में लेके जाता है हम लोग। तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, तो मेरे भाई का जावाई उससे गीता जैन से थोड़ा ये दोस्ती है, तो उसने गीता जैन को फ़ोन किया, भाईंदर के नगर सेवक, उसको फ़ोन किया और उसने डॉक्टर को बोला वो आदमी लोग आया, वो उसका आदमी देव कि मैं इधर आऊँ, मैं आएगा तो सब डॉक्टर की भी नौकरी निकालेगा और सबका भी नौकरी निकालेगा। तो इधर से मेरे को निकाला, तो मेरे औरत को भी नहीं मैं पहचानता था और मेरे बेटे को भी नहीं, और जावई भी मेरे को पहचान नहीं तक सकता था, ये मेरा डैडी है कि मेरा ये औरत क्या बोलते मेरा मर्द है क्या पहचानता है नहीं। तो मेरे को इधर से वो इधर लेके गया, इधर से सिलेप लाइन मेरा रोड में हॉस्पिटल है, उसने डॉक्टर ने हमारे आदमी को गारंटी दी उसको मैं ठीक करके ही रहूँगा। तो मेरा इधर भांजा भी है, भांजा तो उसने इधर बेड बीट नहीं मिलता था तो बेड बीट करके रखा, वो मेरा लुजार और हमारा बाइबल मेरे साथ। मैं दिन में 10 बार माला बोलता था और बाइबल पढ़ता था बस, और दवा चालू था इधर। तो इसने 24 दिन में मेरे को एकदम ठीक किया, 10 इंजेक्शन पेट के ऊपर 45 4 लाख रुपया खर्चा हुआ, 4 लाख। तो मैं इधर से अभी मेरे को डॉक्टर ने अच्छा करके भेजा घर पे भेजा, तो मेरा ये मुँह जलता था तो बहुत रिपोर्ट किया, तो कुछ नहीं। वो मेरे भांजे एक नाना हॉस्पिटल में है, वो उसने बोला ये वो हमको डैडी मानते हैं, ये डैडी चलो हमारे साथ इसके हमारे हॉस्पिटल में इधर अपन रिपोर्ट करते हैं। तो मैं इधर से इधर गया और रिपोर्ट किया, तो उसने बोला कि अब भी तेरे को कैंसर चालू है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उसने खर्चा बिर्चा बताया, डॉक्टर बोला कि ऐसा यह है तुम ऐसा करो और ये करो। तो घर पे गया, 2 दिन में हम आदमी आया एक हॉस्पिटल का हमारा मकान देखने के लिए, हमने वो ये किया। तो मेरा मकान में सब लादी विदी है, सब 10 साल पहले मैंने घर मकान बांधा था, तो उसने देखा, उसने फोटो वीटो करा, तो मेरे को याद आया गए अरे मेरा सब गहना भेज दिया है, वो मेरे पास पावती है गिरवी रखा है, वो पावती है। तो उसको मैंने पावती निकाल के दिया, पावती उसने देखा, उसका फोटो निकाला और लेके गया। तो उसने बोला गए तुम एडमिट होने की तैयारी करो, एडमिट हो गया। मेरे को ये सब इधर से अंदर का सब चमड़ी बमड़ी निकाल के, तो और इधर का चमड़ी इधर डाला, और मैं दूसरे नया जोन में आया। तो ऊपर परमेश्वर ने मेरे को 2 बार जीवन दिया, इसलिए मैं भगवान को लाख लाख। Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
ईशु आराधना, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह हमारा भाग्य है कि हम प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है। कोई अपने घुटनों पर है, कोई बैठे हुए है, कोई खड़े है। हमें लगता होगा कि सिर्फ हम अकेले हैं हमें हमारे कमरे में, लेकिन नहीं, हमारे साथ स्वर्गदूत भी उपस्थित है। हमारे साथ स्वर्गदूत भी उपस्थित है और स्वर्गदूत हमारे साथ प्रभु यीशु की आराधना करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये समय है जब हम प्रभु यीशु के पास आए, उसके करीब आए। आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में ऐसा दो भाग है, नए नियम में जब हम देखते हैं, एक महिला प्रभु यीशु के पास आई, 12 साल से रक्त बहने की समस्या से वो पीड़ित थी। तो उन्होंने अपने मन में ठान लिया, अपने विश्वास को बढ़ा दिया और उन्होंने अपने आप से ही कहा, ये विश्वास का है। उन्होंने कहा कि मैं अगर प्रभु यीशु के वस्त्र के एक कोने को भी स्पर्श कर लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम भी उस महिला जैसे बने। हम प्रभु यीशु के पास आए, लेकिन सिर्फ अपने शरीर से या मन से नहीं, बल्कि अपने विश्वास के साथ हम प्रभु यीशु के पास आएंगे, अपने विश्वास के स्तर को बढ़ाएंगे। आज आपने वचन सुना है, प्रभु का स्तुति किया है, गवाही देखा है, तो विश्वास करता हूं कि आपका विश्वास, आपका जो भरोसा है प्रभु यीशु पर, काफी बढ़ गया है। उसी विश्वास के साथ हमें प्रभु यीशु के पास आना है और जो कुछ हमें समर्पण करना है इस समय हम प्रभु यीशु के पैरों पर रख देंगे, पैरों के नजदीक रख देंगे। हमारे बीमारी, हमारे चिंता, हमारे उदासी, हमारे परिवार में जो समस्या है, सब कुछ हम प्रभु यीशु के चरणों में रख देंगे। और उस महिला ने जिस तरह से विश्वास की, उसी तरह से हम भी विश्वास करेंगे कि यहां से हम खाली नहीं जाने वाले, खाली हाथ नहीं जाएंगे। आज यह आराधना का समय, हम आशीष पाकर ही जाएंगे, हम चंगाई लेकर ही जाएंगे, हमारे समस्या जो है उसका हल होगा। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के सामने हम है। ये वही प्रभु यीशु है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य के लिए कुछ असंभव हो सकता है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने विश्वास को बढ़ाना और उसे और उस विश्वास के साथ आपके जो भी समस्या हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, उसे प्रभु यीशु के चरणों के सामने रख देना। हमें कुछ भी गंवाना नहीं है, सब कुछ पाना ही है। अगर विश्वास के पास के साथ हम प्रभु यीशु के पास आएंगे, समर्पण करेंगे, तो हमें कुछ भी खोना नहीं है, हमें सब कुछ पाना है, आशीष पाना है, चंगाई। विश्वास जो है और भी बढ़ जाएगा, ईश्वर के प्रेम से हम भर जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुसमाचार में एक और जगह में हम देखते हैं, जब लकवे से पीड़ित व्यक्ति जो अपने आप में कुछ नहीं कर पाया, उसके चार मित्र जो है उसे प्रभु यीशु के पास रख दिया। ये असंभव था कि उस कमरे में जहां प्रभु यीशु उपस्थित थे, उस कमरे में उस लकवे से पीड़ित व्यक्ति को ले जाए, ये असंभव था। लेकिन ये चार मित्रों ने मनुष्यों की दृष्टि से नहीं देखा, उन्होंने अपने विश्वास के दृष्टि से देखा। उन्होंने छत को खोल दिया, छत में छेद कर दिया, और ये जो लकवे से पीड़ित व्यक्ति है उसे प्रभु यीशु के सामने उतार, और जैसे ही प्रभु यीशु के सामने उन्होंने उतारा, प्रभु यीशु ने उस लकवे से पीड़ित व्यक्ति नहीं बल्कि उनके चार मित्रों का विश्वास देखा, और उनके विश्वास के खातिर सबसे पहले उनके पापों को क्षमा किया और दूसरा उन्हें शारीरिक चंगाई भी दिया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी ये आराधना के समय वो चार मित्रों के जैसे, चार दोस्तों के जैसे बन सकते हैं। हो सकता है कि आत्मिक तरह से लकवे से पीड़ित हमारे परिवार में ही है, आपका पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, उनका विश्वास का स्तर बहुत नीचे है, लेकिन आपका विश्वास का स्तर बहुत ऊंचा है। उस विश्वास का पूरा फायदा उठाओ, उपयोग करना, और ये जो आपके परिवार में है, आपके पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे, माँ बाप, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, जिसने आपसे प्रार्थना का सहायता मांगा है, आज इस समय आपका विश्वास को काम में लाना और आपके विश्वास से उस व्यक्ति को प्रभु यीशु के सामने ले आना, प्रभु यीशु के चरणों के सामने ले आना, और प्रभु यीशु आपके विश्वास को देखेगा और आपके पति या पत्नी, आपके बच्चों को या आपके माता पिता, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार उन्हें जरूर स्पर्श करेंगे। याद रखना, आपके विश्वास के खातिर प्रभु यीशु ये चमत्कार जरूर करेगा, और आज का दिन चमत्कार का दिन है, चमत्कार का समय है। बस जो भी कुछ करना है आप अपने आप के लिए कर रहे हैं, अपने आप के लिए कुछ मांग रहे हैं, विश्वास के साथ करना, और किसी के लिए आप कुछ कर रहे हैं या मांग रहे हैं तो वो भी विश्वास के साथ करना, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है, जो विश्वास करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस आराधना के समय हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे कि हमने आज जो कुछ मांगा है प्रभु ने वो पूरा किया है, जो कुछ उसके इच्छा अनुसार हमने मांगा है प्रभु यीशु ने वो हमारा प्रार्थना सुना है। हो सकता है कि आप अपने लिए या दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु यीशु ने आपका प्रार्थना सुन लिया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हृदय में कृतज्ञता जो भरपूर है आपका, जो धन्यवाद का भावना है, उसे लेकर आइए हम सब प्रभु यीशु से आशीर्वाद स्वीकार करें। और ये समय है कि हम प्रभु यीशु को धन्यवाद कहेंगे कि प्रभु यीशु इस आराधना के समय, इस पूरे कार्यक्रम के समय आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, स्वीकार किया है। प्रभु आपने हमें स्पर्श किया है, चंगा किया है, हमारे परिवार में जो कठिनाई तकलीफ थे प्रभु यीशु आपने उससे हमें छुटकारा दिया है। सचमुच आप हमारे उद्धार करता है प्रभु। प्रभु यीशु हमने जिसके लिए भी प्रार्थना किया है आपने हमारा प्रार्थना सुना है प्रभु।
धन्यवाद प्रभु, दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम प्रभु यीशु से आशीर्वाद स्वीकार करें। आराधना यीशु आराधना।